Hello friends, I am back with another video tutorial of Adobe Muse. In this video tutorial, I am going to talk about the breakpoint. दोस्तों breakpoint होता क्या है? हम लोग क्यों breakpoint use करते हैं? हम लोग breakpoint इसलिए use करते हैं ताकि हम लोग जो website बनाए, वो mobile device या tablet device या desktop पे कैसे काम करना है, वो हमें breakpoint के द्वारा पता चलता है। तो breakpoint कैसे set करते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं। तो ये हमारा पहला साइट है, इसे देखिए। ये ब्रेक पॉइंट हम लोगों ने इस पर ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया है, तो ये कैसा दिखेगा? तो ये देखिए, हमने ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया है। तो ये देखिए, हमारा आइकन जो है, लोगो जो है, वो देखिए कितना छोटा हो गया। और ये जो हमारा मेन्यू है, ये देखिए हमारा कितना कॉम्प्रेस हो गया। तो इसे कैसे ठीक करते हैं, ये देखिए कि इसमें हम लोगों ने कैसे ब्रेक पॉइंट सेट किया हुआ है। ये हमारा प्रोफाइल है, इसको आप अगर स्मॉल करेंगे, ये देखिए इस ब्रेक पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे ये छोटा हो गया। हम लोगों ने यहाँ ब्रेक पॉइंट सेट किया हुआ है, तो यहाँ ब्रेक पॉइंट सेट किया हुआ है। तो ये देखिए, ये लोगो जो है हमारा, ये फिर यहीं पे आ गया। फिर और चले चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट सेट किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये देखिए, यहाँ पे लोगो फिर आ गया। और ये जो हमारा मेन्यू है, मेन्यू भी हमारा फिर से सेट हो चुका है, कंप्रेस नहीं हो रहा है। फिर और छोटा करेंगे, ये देखिए हमारा इस ब्रेक पॉइंट पे मेन्यू हमारा फिर कंप्रेस नहीं है, ठीक हो चुका है। और फिर ये जो है हमारा लोगो जो है, ये भी सही है। फिर मोबाइल भी पे चलते हैं, ये देखिए मोबाइल पे भी हमारा ये क्या है, उतना कॉम्प्रेस नहीं है, फिर भी सही दिख रहा है, पहले जैसा नहीं है। और ये जो है हमारा लोगो, ये भी देखिए कॉम्प्रेस नहीं है, ओके, ये पूरी भी फुल लेंथ पे है। तो चलिए ये कैसे सेट करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले म्यूज़ ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ब्रेक पॉइंट कैसे सेट करना है, तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट होता है। जैसे कि होता है हमारा डेस्कटॉप के लिए होता है 1280 होता है, टैबलेट के लिए 768 होता है, और मोबाइल के लिए होता है 320। बट हम लोग जो ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं, वो दोस्तों हम लोग जितना ब्रेक पॉइंट सेट करें ना, उतना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 5 ब्रेक पॉइंट सेट करूँगा, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे 4 ब्रेक पॉइंट सेट करूँगा। एक तो हो गया ये 992 हो गया, मैंने पिछले जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें मैंने 990 लिया हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस जगह पे और 992 कर देना है, तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट सेट हो जाता है। तो चलिए आगे करते हैं। 992 के बाद हमारा आता है 768, ये हमारा टेबलेट व्यू है 768, ये देखिए हम यहाँ सेट कर लेना है। ये देखिए 758 है, तो मुझे 768 करना है। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे 768 और ओके प्रेस कर देना है। ये देखिए 768 पे हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया। और चलिए बना लेते हैं, 768 के बाद है हमारा 480, जितने भी आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लें, उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करके 480, ठीक है, ये हमारा 480 पे सेट हो गया। फिर हम आते हैं मोबाइल पे 320, ये हमारा 320 सेट हो गया। तो ये हम लोग 4 ब्रेक पॉइंट सेट कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए पहले सब पे काम करते हैं। ये हमारा है फुल ब्रेक पॉइंट, इस पर ये देखिए हमारा लोगो कहाँ पे जाके ख़राब हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे हमारा आके लोगो ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये जो आइकन दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, इसे हम लोग सिंपली क्या करना है, हाइड इन ए ब्रेक पॉइंट, ठीक है। फुल ब्रेक पॉइंट जो था, इस पर से आपको ये जो इसे लोगो को कॉपी कर लेना है, और ये 786 पे आके आपको पेस्ट कर देना है, सॉरी इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ लेके जाना है और इसे बड़ा कर लेना है आपके वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, हाइड इन अदर ब्रेक पॉइंट, हाइड इन अदर ब्रेक पॉइंट क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर प्रीव्यू करके दिखाऊं, ये देखें यहाँ डबल डबल आ गया। क्यों यहाँ डबल क्यों आया, क्योंकि हम जो इस पर सेट किए हुए थे, यहाँ भी एक था, और इस पर जो सेट किए यहाँ भी एक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, सिंपली हाइड इन अदर ब्रेक पॉइंट, अब ये क्या है, इस पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे करके आपको 480 पे भी सेट करना है, 480 पे ये देखिए, ये जो हमारा मेन्यू है, ये हमारा कंप्रेस हो गया। तो मैं सिंपली इसे क्या करूँगा, हाइड इन ए ब्रेक पॉइंट, इसे भी हाइड इन ए ब्रेक पॉइंट करूँगा। अब मैं सबसे पहले पेस्ट करता हूँ हमारा लोगो,
लोगो यहाँ पे आ गया, इसे बड़ा कर देता हूँ और इसे हाइड इन अदर ब्रेकपॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे और ये मेन्यू को हम कॉपी करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल सी और कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसे सही जगह पे रख के आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों हम लोग ने पिछले ट्यूटोरियल से हम ये पिन किया हुआ है, हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं वो वहाँ पे पिन किया हुआ है, ये देखिए साइड में, तो यहाँ भी ये पिन रहेगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसे थोड़ा बड़ा कर देना है, जी हाँ ये ठीक है, और इसे भी क्या करना है, हाई देना है अदर बैक पॉइंट। ठीक है, तो अब इसे ये आप ये बैक पॉइंट पे भी नहीं दिखेगी और ये बैक पॉइंट पे भी नहीं दिखेगी। अब बारी है हमारी 320 की, इस पर भी आपको सेम करना है, इसे भी हाई देना है बैक पॉइंट, इसे भी हाई देना है ब्रेक पॉइंट और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, सेट कर लिए, बड़ा कर लेना है। ठीक है, और इसे हाइड इन अदर ब्रेक पॉइंट। अब हमें लोगो चाहिए, सिंपली मैं कॉपी करूँगा, 320 पे भेजूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसे मैं स्ट्रेच करके बड़ा कर लिया, अब इसे भी हाइड इन अदर ब्रेक पॉइंट कर देता हूँ। तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट सारे सेट हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसे प्रीव्यू इन ब्राउज़र करके देख लेता हूँ, ये हमारा आ गया। अब इसे ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा इस ब्रेक पॉइंट पे ब्रेक हुआ, अभी यहाँ पे हुआ, फिर ये यहाँ पे हुआ, ये देखिए, और अब यहाँ पे फिर। तो इस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग सीखें कि कैसे नॉर्मल ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं। मैं आगे आने वाले और ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे अपने ब्रेक पॉइंट आपने कैसे सेट करके वेबसाइट को पूरी मोबो डिवाइस के लिए आप लोग बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा वीडियो मिस नहीं करना है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारा ट्यूटोरियल मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू, पीस, जय हिंद।